हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मकान में सीलन से हर आदमी, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सीलन से परेशान नहीं है। तो सीलन पर से परेशानी से दूर करने के लिए हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं कि यदि आपके घर में सीलन है तो आप खुद उस सीलन को ठीक कर सकते हैं। तो आज एक उसी से रिलेटिव मैं आपको एक टॉप छत पे आया हूँ। यह देखिए, ये टॉप छत है, मतलब सबसे लास्ट छत है, सबसे ऊपर का हिस्सा का है। उस पर यह पत्थर लगा हुआ था। अब पत्थर हुआ क्या है, क्रेक हो गया। यह देखिए, इस तरह के क्रेक हो गया है। यह देखिए इस तरह से। और इतना ही नहीं बल्कि इसका किनारा उनारा सारे, ये जो किनारे हैं जितने भी, ये सारे क्रेक हो गए हैं। और यहाँ पे दो टोटी लगाया हुआ है, मतलब इस यहाँ पे एक कमरा भी है, यहाँ एक आदमी रहता है, किरायेदार रहता है। तो होता क्या है कि ये जब यूज करता है पानी तो नीचे सीलन आ रहा है, सीलन जरा सा नहीं बहुत सारा आ रहा है। लेकिन अगर हम इस किसी प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो क्या करेगा, आपको ये सीधा पत्थर तोड़ करके कहेगा कि इसके नीचे लाइन देखता हूँ, टूट गया है, फूट गया है, क्या हुआ है, वो बदलने की पूरी आपको सोल्यूशन देगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ 30 रुपया में अपने हाथों से ही सीलन को ठीक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये देखिए, जैसा कि ये सीलन है तो इसको करना क्या है आपको, इस हार्डवेयर की दुकान से, ये देखिए ये वाइट सीमेंट है। ये वाइट सीमेंट दो तीन कंपनी की आती है। वैसे एक जेके वाइट है, बिरला वाइट है, तो आप किसी भी कंपनी का आप वाइट सीमेंट ले सकते हैं। यह देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हार्डवेयर की दुकान में 1 किलो 30 रुपये का मिलता है। उसको करना क्या है आपको, यह देखिए, एक परात में इसको पानी से घोल देना है। जैसा कि ये घोल रखा है, यह देखिए पानी से लिक्विड बना रखा है। अब इसको करना क्या है आपको, जहाँ जहाँ दरार है, यह देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये दरार है, तो आपको अपने हाथों से ही यहाँ पे हल्का सा पानी गीला करके, या देखिए हल्का सा पानी गीला करने के क्या है कि ये कपड़ा से इसको पोंछ देंगे। या देखिए हल्का सा गीला कर लेंगे। या देखिए इस तरह से गीला, देखिए गीला करने के बाद करना क्या है, ये लिक्विड जो है इसको इसमें भर देना है। या देखिए जैसा कि ये भरा जा रहा है इस तरह से। ये वाइट सीमेंट है, ये अपने हाथों से आप भर सकते हैं। या देखिए यही सब, अगर आप इस सब पर ध्यान नहीं देते हैं और आप सीधा प्लम्बर को बुलाते हैं तो वो आपको यही सोल्यूशन देगा कि इसके अंदर से जो पाइप जा रहा है वो टूट गया होगा, या क्रेक हो गया होगा, या लीक हो गया होगा। किसी न किसी तरह से वो आपको यही कहेगा कि भाई इसको तोड़ करके दोबारा हम लाइन चेक करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से कम तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर पत्थर लगा हुआ, अगर ये पत्थर तोड़वा देते हैं आप, और वो प्लम्बर क्या करता है, वो तोड़ करके वो अपना पाइप चेक कर लेगा, वो उसके बाद उसे मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बहाना लगा करके वो कह देगा कि अब आपका लाइन हमने बदल दिया है, पाइप क्रेक था, पुराना था, इस वजह से लीक हो रहा था, और वो आपका पाइप चेंज कर देगा। पाइप चेंज करने के बाद वो चला जाएगा। उसको जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पत्थर वाले मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। फिर जब पत्थर वाले मिस्त्री को बुलाएंगे तो वो आपका पूरा, जहाँ तक जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये पत्थर मान लिया जाए कि ये 5x5 है तो 25 फुट है। 25 फुट पत्थर अगर आप खरीदने जाते हैं तो कम से कम आपको 25×6 मतलब लगभग 2000 रुपये का पत्थर आएगा। 2000 का पत्थर आएगा, फिर 2000 के लिए उसके 2000 के मटेरियल भी चाहिए, मतलब पत्थर और बालू सीमेंट। उसके बाद 2000-4000 रुपये हो गए। उसके बाद लेबर मिस्त्री को भी आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे इसको लगाने के लिए। फिर उसके बाद पत्थर लगाने के बाद आपको घिसाई वाले को भी देना पड़ेगा 2000 रुपये। मिला जुला करके आपको सीधा 10000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम आपको ऐसे सोल्यूशन के लिए सिर्फ 30 रुपया में आपको ये सब सारे सोल्यूशन ठीक हो जाएगा, मतलब पानी लीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई प्लम्बर का कोई काम ही नहीं है। ये जो दरार है, ये देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छत पर सारी दरारें आ चुकी है। यही आप खुद अपने हाथों से ठीक करते हैं। इसमें किसी भी मिस्त्री को या किसी भी ठेकेदार को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ना बुलाने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से रिपेयर कर देते हैं इसको, ऐसा हमेशा अक्सर के मकान में ऐसा होता है, क्योंकि मैं कई मकानों में जाता रहता हूं तो हमेशा इसी तरह का फॉल्ट मिलता है। जो इस बात को समझ लिया वो खुद अपने हाथों से कर लेते हैं। लेकिन आपको ये इतना भी पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी पैसे वाले हैं जो अपने हाथों से काम नहीं करना चाहते हैं। तो नहीं करना चाहते तो फिर भी वो किसी एक लेबर को पकड़ करके अपना आराम से उसको 2-4-5 सौ रुपये दे करके इस तरह के काम करवा सकते हैं कि भाई हमें हमारे मकान में इस तरह का काम कर दो। तो वो हमेशा इसलिए कर देगा कि अगर जैसे मान लिया जाए कि 2 घंटा का काम है और उसे आप पूरे दिन का पैसा दोगे तो वो हंसता हुआ आएगा और आपका काम तसल्ली से कर देगा, क्योंकि उसे भी ऐसा लगेगा
कि भाई अगर पूरा दिन का मुझे पैसा मिल रहा है तो 2 घंटा में का काम है, मैं तसल्ली से कर देता हूँ, फिर आगे भी उसका रिश्ता बना हुआ रहेगा। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि भाई आप अपने हाथों से नहीं करते हैं तो आप लेबर से करा सकते हैं, लेकिन त्रुटि यही होगा कि अगर आप इस तरह से करवा लेते हैं तो आपका मकान में सीलन हमेशा के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बतलाया विस्तार रूप में, अब मैं दोबारा नहीं बतलाना चाहता हूँ, वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप इस बात पे हमेशा ध्यान दें कि अगर इस तरह से लाइन है, दरार है या ज्वाइंट खुल गया है, तो इस तरह से आप वाइट सीमेंट भर करके और इस सीलन को पूरा सदा के लिए रोक सकते हैं। ऐसा करने से बिल्कुल कभी भी आपका मकान में सीलन नहीं आएगा। अच्छा, कई बार ऐसा वीडियो में लोग कमेंट करते हैं कि सर ये कितना दिन चलेगा। अरे भाई, तो 30 रुपया में आप क्या पूरा ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए ठीक करोगे? हाँ, इतना मेरी गारंटी है कि अगर 1 साल में आप एक बार इस तरह का सीमेंट भरते हुए रखते हैं तो कभी भी मकान का आपका सीलन नहीं आएगा। कुल मिलाकर ये बात है कि 30 रुपया में आपकी 1 साल की गारंटी हो जाएगी। मतलब अगर 20 साल करते हैं तो 1 बरसात या 1 सीजन आराम से दोबारा वो नहीं खुलेगा। फिर अगले 1 साल के बाद फिर आप उसको उसी तरह से रिपेयर कर दीजिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत से लोग भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर ये कितना दिन चलेगा। अरे भाई, तो 30 रुपये में क्या पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम कर लोगे क्या? यहाँ तो कोई ज़िंदगी की नहीं गारंटी होती है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 1 साल की इसकी गारंटी होगी कि जो आप इस तरह से अगर वाइट सीमेंट भर देते हैं पूरी लाइनिंग को, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ से पानी जा सकता है, यहाँ खुला हुआ है, बल्कि उसमें पानी डाल के भी देख सकते हैं, ऐसे दरारों में पानी डाल के देख सकते हैं कि पानी मैंने डाला तो वहाँ सूख गया। सूखने का मतलब है कि दरार के अंदर पानी जा रहा है। तो ऐसे ऐसे दरारों को अगर आप इस तरह से बंद कर देते हैं तो कभी भी आपके मकान में सीलन नहीं आएगा। सीलन से बचने के लिए हम अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं कि किसी का भी मकान में सीलन ना हो। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पर मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आपके हित के लिए डालता हूँ, और आपका पैसा भी बचेगा और फिर आपका काम भी बिल्कुल सॉलिड होगा। मतलब कभी भी सीलन नहीं आएगा अगर हमारे वीडियो देख करके आप खुद ही, किसी लेबर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही सीलन ठीक कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देख करके भी अपना सीलन को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।